श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को अर्थात अंतःकरण और इंद्रियादिकों में आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतनता होती है उसका नाम प्रकाश है, और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी अर्थात निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। अर्थात जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं। यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं।